नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 36 उम्मीदवारों के नाम हैं। आंध्र प्रदेश की 23, महाराष्ट्र की 6, ओडिशा की 5, मेघालय की 1 और असम की 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। संबित पात्रा को ओडिशा के पूरी से टिकट दिया गया है। आपको बता दें, कुल 220 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कांग्रेस और समाजवादी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति में आज ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर डॉक्टर लोहिया भी विचलित व्यथित हो जाते। वे दल जो डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श बताते हुए नहीं थकते, उन्होंने पूरी तरह से उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी है। यहाँ तक कि ये दल डॉक्टर लोहिया को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। बिहार में एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इस बार गिरिराज सिंह को बेगूसराय से मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें, इस बार प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का टिकट कट गया है। एनडीए ने किशनगंज सीट से महमूद अशरफ को टिकट दिया है। शहीद दिवस के मौके पर कांग्रेस का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने की तारीख गलत लिखी है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, इन तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च को फांसी दी गई, जबकि 23 मार्च को फांसी दी गई थी। हालांकि ट्विटर पर फजीहत होने के बाद अब ट्वीट को हटा लिया गया है। इसके बाद से कांग्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, जिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कांग्रेस ने कभी शहीद नहीं माना, ना ही उचित सम्मान दिया, आज उन्हीं शहीदों को मजबूरी में श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है, तो तारीखों में चूक होना स्वाभाविक है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने तारीख बदल कर नया ट्वीट किया। आज बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमला बोला है। शाह ने कहा, देश जब आम चुनाव की ओर तेजी से बढ़ रहा है और देश के मतदाताओं में राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा अहम बना हुआ है, ऐसे समय में जो कल कांग्रेस के विदेशी मामलों के प्रभारी सैम पित्रोदा का बयान आया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष से मांग करता हूं कि आप सैम पित्रोदा के बयान पर देश से, शहीदों के परिवार से और देश के वीर सैनिकों से माफी मांगिए। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कुल 35 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि नई सूची में यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता राज बब्बर की सीट बदल दी गई है। अब वो मुरादाबाद की जगह फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ की 4, जम्मू कश्मीर की 3, ओडिशा की 2, तमिलनाडु की 8, त्रिपुरा की 2, महाराष्ट्र की 5, तेलंगाना की 1, उत्तर प्रदेश की 9 और पुदुचेरी की 1 सीट शामिल है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सीने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सीने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है सीने आजकल india@gmail.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, स्मृति ईरानी जी को जन्मदिन की बधाई। उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने और सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं उनके दीर्घायु जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अमेठी में आगामी चुनाव के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद स्मृति ईरानी ने भी उनकी शुभकामना का जवाब दिया। स्मृति ने प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा, आपका बहुत आभार सर, अमेठी तैयार, फिर एक बार मोदी सरकार। तमिलनाडु में निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीतने के बाद मुफ्त शराब देने का वादा किया है। 55 साल के शेख दाऊद ने ऐलान किया है, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो अपने इलाके में हर घर में 10 लीटर शराब मुफ्त में देंगे। इसके अलावा महिलाओं को 25,000 रुपए प्रतिमाह भी दिए जाएंगे। शेख के घोषणा पत्र में 15 घोषणाएं शामिल हैं। दाऊद ने तिरुपर लोकसभा सीट से नामांकन भरा है। गुरुग्राम में होली के मौके पर क्रिकेट खेल रहे मुस्लिम परिवार को उनके घर में घुसकर मारने का मामला सामने आया है। घटना गुरुग्राम के भोंडसी की है। बताया जा रहा है, पहले उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें पाकिस्तान जाने को कहा गया। इसके बाद भीड़ आई और सबने मिलकर लाठी डंडों से परिवार के लोगों को मारा। हालांकि पुलिस ने महेश नाम के एक आरोपी को पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है।
आज शहीद दिवस है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दी गई थी। इन्हीं के बलिदान की याद में ही शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शहीद दिवस पर उन वीरों को याद किया। चीन के हुनान प्रांत में एक बस में आग लगने से 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए 3 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों बस चालकों को गिरफ्तार कर लिया। टैलेंट का खजाना कंगना रनौत जल्द ही एक और बायोपिक में काम करने जा रही हैं। ये बायोपिक सिनेमा और राजनीतिक जगत की जानी मानी हस्ती जयललिता की जिंदगी पर आधारित होगी। कल रात ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात का ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कंगना रनौत जल्द जयललिता के किरदार में बायोपिक 2 भाषाओं में बनाई जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देशी नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM India TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। सीहेक मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300, ईमेल आईडी है CA आजकल India@gmail.com।